नई दुल्हन चांदनी सी होती है, लेकिन तुम मेरे घर में अमावस हो। लेकिन तूने आज साबित कर दिया अरमान कि सौतेला सौतेला ही होता है। नहीं बहू, आओ इस घर की खुशियों को अपने पांव तले रौंदते हुए घर के अंदर आओ, इस परिवार की बर्बादी बनकर, इस परिवार का दुर्भाग्य बनकर, इस परिवार के आंसू बनकर अभी ना इस घर के अंदर प्रवेश करो। अगर वो कभी नहीं मानी तू माफ कर दीदी, तुझे मैंने माफ किया बेटा। मैंने तुझे माफी अरमान एक शर्त पे थी कि तू अभीरा के साथ हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चला जाएगा। अभी एक सेकंड पहले आप अरमान को बेटा बुला रही थी, दूसरे ही सेकंड उसे अपने आप से अलग करिए। माँ मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ये आपको बिना कुछ नहीं रह पाएगा, अरमान को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। माँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक और रोमांचक एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि अरमान अपनी माँ विद्या को कैसे समझाने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही शादी की रस्में खत्म होती हैं, अरमान और अभीरा खुशी खुशी अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। विद्या जो कि अरमान की माँ है, उसने शादी के दौरान अभीरा और अरमान के सिर पर हाथ रखकर उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि उनकी शादी कभी भी सफल नहीं होगी। ये सुनकर अभीरा पूरी तरीके से टूट जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसकी अपनी सास ने कुछ ऐसा कह दिया है, और अरमान वो तो बस डर के मारे सहम गया है। उसे पता है कि माँ का प्यार, आशीर्वाद और श्राप सभी चीजें जो है वो बहुत अहमियत रखती हैं। शादी के बाद अरमान अकेले में विद्या के पास जाता है, वो हाथ जोड़कर उन्हें समझाने की कोशिश करता है। माँ कृपया इस रिश्ते को आप स्वीकार कर ले, मैं सब कुछ धीरे धीरे ठीक कर दूंगा। लेकिन विद्या ने तो ठान लिया है कि वो इसे मानने को तैयार ही नहीं। तुम्हें आज ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब कल बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजेंगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। विद्या की ये बातें अरमान को और भी ज्यादा परेशान कर देती है। वो हर तरह से अपनी माँ को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन विद्या एकदम नकारात्मक हो गई है। वो ये साफ कर देती है कि वो कभी भी अरमान और अभीरा के रिश्ते को ना तो आशीर्वाद देगी और ना ही स्वीकार करेगी। क्या अरमान अपनी माँ को समझा पाएगा? क्या अभीरा और अरमान का प्यार इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगा? ये सारे सवाल आप सभी के मन में जरूर चल रहे होंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि परिवार के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और कभी कभी हमें अपने प्यार के लिए कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ये था आज के एपिसोड की कहानी। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।